राज कपूर साहब ने एक बार ये कहा था कि हमारी जो फिल्में होती हैं वो समाज से उठाई हुई स्टोरियों से तैयार हम करते हैं। इसके पीछे उनका मकसद ये कहना था कि जो हमारी फिल्में होती हैं उनके कथानक जो हैं वो समाज से उठाए होते हैं। दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ। तो मैं कह रही थी कि फिल्में हमारे समाज को कॉपी करती हैं या हम फिल्मों को कॉपी करते हैं, ये आपको इस कहानी से पता चलेगा। हाँ, ये जरूर है कि इश्क अंधा था और इश्क अंधा ही रहेगा, बल्कि यूं कहिए कि अंधेपन की हद को क्रॉस कर जाएगा। फिल्म की बात आज इसलिए भी आ गई है इस कहानी में क्योंकि जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं उसका स्क्रिप्ट जो है वो फिल्म देख के ही तैयार किया गया, बल्कि ये कहिए कि स्क्रिप्ट को फिल्म देख करके एकदम से फुल प्रूफ तैयार किया गया है ताकि कहीं कोई चूक ना हो जाए। अच्छा, एक बात और, अपराध कितना भी शातिराना तरीके से क्यों ना किया जाए वो अपना निशान छोड़ ही जाता है। और ये कहानी है पति पत्नी और प्रेमी की। प्रेमी कहने का मन तो नहीं कर रहा क्योंकि प्रेम कभी हत्यारा नहीं होता। खैर, कहानी किस दिन की है? कहानी है 27 नवंबर 2017 की। जगह है तेलंगाना के नगर कुरनूल की। कहानी शुरू होती है एक प्राइवेट हॉस्पिटल से। एक शख्स को एक महिला लेकर के आती है। उस शख्स का पूरा चेहरा झुलसा हुआ था और चेहरा कोई पहचान नहीं सकता था, और उसको फौरन हॉस्पिटल का स्टाफ एमरजेंसी में ले जाता है। डॉक्टर उसे देखते हैं, इलाज करते हैं, फिर ये पता चलता है कि जिस शख्स को यहाँ लाया गया है उसका नाम सुधाकर रेड्डी है, जो एक प्राइवेट कंपनी में ऑफिसर है। सुधाकर रेड्डी को जो महिला हॉस्पिटल लेकर के आई थी उसका नाम स्वाति रेड्डी है, यानी कि दोनों पति पत्नी हैं। पत्नी अपने पति को हॉस्पिटल में लेकर के आई है क्योंकि उसने वहाँ पे यही रिकॉर्ड में लिखवाया भी और कहा कि इनके ऊपर किसी ने एसिड फेंका है, तेजाब से हमला हुआ है, इसलिए इनका चेहरा झुलस गया है। अब इसके बाद शुरू होती है कहानी और शुरू होता है इलाज। धीरे धीरे सुधाकर रेड्डी की तबीयत सुधरती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि चेहरा इतना ज़्यादा झुलस चुका है कि इनको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। इन्हें नया चेहरा देने के लिए खर्च भी बहुत आएगा। लेकिन स्वाति कहती है कि मेरे पति ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और सर्जरी भी करवा लेंगे। इसके बाद स्वाति रेड्डी अपने घर वालों को और ससुराल वालों को इसकी खबर देती है कि उसके पति के साथ ये हादसा हो गया है, कुछ लोगों ने उस पर हमला किया है, तेजाब फेंका है और वो भाग गए। लेकिन ये दोनों लोग यानी कि स्वाति और सुधाकर हॉस्पिटल में हैं लेकिन खतरे से बाहर है। तमाम लोग उनको हॉस्पिटल देखने आते हैं, अमूमन जैसा होता है। सुधाकर के भाई, माता पिता सभी लोग आते हैं। सुधाकर रेड्डी का चेहरा जो है वो पट्टियों से ढका हुआ है। थोड़े ही दिन में हालत सुधरने लग जाती है। धीरे धीरे वो बात भी करता है, जो थोड़ा थोड़ा लड़खड़ा करके उसके मुंह से बात निकलती है। अभी बात वो क्लियर नहीं कर पा रहा था, लेकिन सामने वाले सुन सकते थे कि वो क्या कह रहा है। वक्त बीतता है, हालत सुधरती है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी पट्टी हटाएंगे और प्लास्टिक सर्जरी करेंगे। कुछ वक्त के बाद ये भी हो गया और खाना ठीक से खाया नहीं जा रहा था क्योंकि मुंह अच्छे से सुधाकर रेड्डी खोल नहीं पा रहे थे। अब हुआ ये कि उनका मुंह काम करने लगता है धीरे धीरे। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप खाना खा सकते हैं। जैसा होता है कि पेशेंट को पहले लिक्विड डाइट पे रखा जाता है, तो धीरे धीरे उन्होंने खाना पीना शुरू किया, लेकिन पट्टी अभी भी चेहरे पे है। इसी दौरान घर वाले खाना बना करके लाने लगे। सुधाकर रेड्डी को बचपन में मटन का सूप बहुत पसंद था। खासतौर पे वो अपनी माँ का मटन का सूप बहुत पसंद करते थे। शादी के बाद भी माँ से जब भी मुलाकात होती, चाहे माँ के घर में या उनके घर में, सुधाकर रेड्डी मटन का सूप जरूर बनवाते। लेकिन आज मटन सूप के लिए उन्होंने मना कर दिया।
छोटा भाई कहता भी है कि भैया आपको तो बहुत पसंद है, लेकिन काफी मनोमनावल करने के बाद भी सुधाकर मटन सूप पीने को तैयार नहीं होते। छोटे भाई को कुछ खटका होता है। जो शख्स हर हाल में मटन सूप के पीछे पागल रहता है, वो भी उसकी माँ के हाथ का, आज वो इतना कहने के बावजूद भी मटन सूप नहीं पी रहा। जूस पी रहा है, खाना खा रहा है, तो फिर मटन सूप क्यों नहीं पी रहा? उसके दिमाग में यही चीज़ क्लिक कर जाती है और वो कहता कुछ नहीं है, वहाँ से निकल जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, सुधाकर और ठीक होने लगता है। चूंकि चेहरा 30% से अधिक जल चुका था, तो चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। प्लास्टिक सर्जरी होनी थी और उसके बाद वो उसने थोड़ा सा मूवमेंट भी करना शुरू कर दिया, लाइक वॉशरूम जाना। हॉस्पिटल में इतना भारी चलने को रहता है और फिर थोड़ा बहुत वॉक करना, लेकिन उसकी चाल ढाल एकदम अलग थी, बॉडी लैंग्वेज एकदम अलग था। कोई चीज़ उठाना पकड़ना, उसका भी एक, हर इंसान का अपना एक तरीका होता है, अपना एक स्टाइल होता है। वो भी घर वालों को लग रहा था कि ये सुधाकर का नहीं है। कुल मिला के भाई को डाउट हुआ। तो फिर सुधाकर के छोटे भाई ने एक दिन घर वालों को बिना बताए ही पुलिस स्टेशन में वो पहुंचता है और जाकर के कहता है कि मेरे भाई पे किसी ने तेजाब से अटैक किया था, लेकिन भाभी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखवाई। पुलिस वाले पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं लिखवाई? इसके बाद सुधाकर का भाई अपने मन की बात पुलिस से शेयर करता है। वो कहता है कि मुझे डाउट है कि मेरा भाई मेरा नहीं है, क्योंकि उसका बिहेवियर, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका पूरा स्टाइल एकदम अलग है। वो मेरा भाई नहीं है, वो कोई और है। पुलिस भी ये वाली बात सुनती है, तो उनके लिए ये एक अलग किस्म का केस होता है। जांच शुरू होती है। जांच में चुपचाप से अपने तरीके से जांच शुरू की जाती है, क्योंकि कोई बहरूपिया है तो उसको अगर इस तरीके का तैयार किया गया है तो उसको सब चीज़ें बता दी जाती हैं कि उसके माता पिता का नाम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, आदि आदि चीज़ें। अब चाल ढाल भी काफ़ी कॉफ़ी करने की कोशिश की होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पुलिस पता लगा ही लेती है। अब किसी तरीके से पुलिस ने चुपचाप से सुधाकर रेड्डी के फिंगरप्रिंट्स ले लिए। फिंगरप्रिंट लेने के बाद आधार कार्ड और बाकी सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, और बैंक से भी डाटा निकलवाया गया। सुधाकर रेड्डी के फिंगरप्रिंट हॉस्पिटल में लेटे हुए शख्स के फिंगरप्रिंट से उनको मैच किया गया। और इसके बाद पुलिस की हैरानी की हद हो गई, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि फिंगरप्रिंट दोनों अलग थे, नाम एक, पहचान एक, लेकिन फिंगरप्रिंट अलग। तो जो शख्स, अगर सुधाकर रेड्डी नहीं है तो फिर कौन है? और उसके साथ एक जुड़ा हुआ सवाल और भी कि फिर सुधाकर रेड्डी कहाँ है? दूसरा सवाल ये कि क्या कोई और है? तो सुधाकर रेड्डी की बीवी स्वाति रेड्डी उसको अपना पति क्यों मान रही है, क्यों जिद कर रही है, और उसको क्यों नहीं शक हुआ? तीसरा ये कि अगर पति पर अगर किसी ने हमला किया है तो पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई गई? सारी चीज़ें कुल मिलाकर के एक शक पैदा कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने कहा कि मामला कुछ गड़बड़ है। सुधाकर रेड्डी का जो चेहरा और झुलसा हुआ था, और जख्म भी अभी पूरी तरह से भरे नहीं थे, जख्म हरे थे, और उससे पूछताछ हो नहीं सकती थी। सख्ती से पूछताछ करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। और बिना सबूत फिंगरप्रिंट्स को लेकर के बाकी सब चीज़ें कैसे हों, कैसे किया जाए? तो पुलिस ने सोचा कि स्वाति रेड्डी को थोड़ा सा पूछताछ के लिए बुलाया जाए, तो उससे बहुत प्यार से पूछताछ होती है और बताया जाता है कि वो किस चीज़ की जांच कर रहे हैं, ये शख्स असली है या नकली। स्वाति रेड्डी को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपके पति पे एसिड फेंका गया है तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? स्वाति के लिए अब हैरान होने का वक्त था। उससे दूसरा सवाल ये पूछा गया कि आपने अपने परिवार को कब बुलाया, कब बताया उनको? तो उसने कहा कि उसी दिन उनको बता दिया गया था।
वहीं सुधाकर की माँ यानी कि स्वाति की सास से भी बातचीत हुई, तो सास ने बताया कि उसी दिन उसकी सुधाकर से और स्वाति से बात हुई थी, यानी कि 26 तारीख को। उस दिन स्वाति ने कहा कि हम लोग ठीक है, हम लोग घूमने गए हुए हैं और थोड़ी देर में घर लौटेंगे, फिर बात करते हैं। तो ये दो तरह के बयान पुलिस को और भी ज़्यादा उनका डाउट जो है गहराने लगा। फिर पुलिस को यकीन हो गया कि स्वाति झूठ बोल रही है, कुछ छिपा रही है। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, क्योंकि वो कोई पेशेवर क्रिमिनल तो थी नहीं। थोड़ी ही देर के बाद वो टूट गई और इसके बाद जो पूरी कहानी है वो कुछ इस तरीके से थी। 2014 में स्वाति की शादी होती है रेड्डी से, सुधाकर रेड्डी से। अरेंज मैरिज थी, दोनों के परिवार वालों ने एक दूसरे को पसंद किया। शादी हुई, पेशे से स्वाति नर्स थी और सुधाकर एक कंपनी में मैनेजर। दोनों की शादी शुदा जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, दोनों बड़े खुश थे। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही स्वाति की कमर में अचानक से दर्द हुआ, वो काफ़ी परेशान हुई। सुधाकर ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट के पास स्वाति जाती है और उसी फिजियोथेरेपिस्ट जिसका नाम राजेश है से उसकी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दोनों में प्यार होता है और वो प्यार फिर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों सोचते हैं कि एक साथ रहें और एक साथ रहने के लिए शादी। तो क्योंकि शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, स्वाति ऑलरेडी शादीशुदा थी और सुधाकर से शादी हुई थी उसकी, अब वो राजेश उससे शादी करना चाहता था। तो क्या करे, वो सुधाकर को डाइवोर्स दे तो किस बात पे दे? और सबसे बड़ी बात ये थी कि स्वाति के घर वाले नहीं मानेंगे डाइवोर्स के लिए, ससुराल वाले भी नहीं मानेंगे। कोई ऐसी वजह नहीं थी कि सुधाकर को डाइवोर्स दिया जाए और सुधाकर भी नहीं मानेगा, तो फिर क्या करें? फिर उन्होंने एक प्लानिंग शुरू की कि कैसे शादी हो सकती है। ये भी बाई चांस की बात है कि एक दिन स्वाति टीवी देख रही थी तो उस पे उसने देखा कि एक फिल्म चल रही है। उसने सोचा कि क्यों ना इस फिल्म को अपनी असली जिंदगी में उतारा जाए। इसके बाद उन्होंने इस फिल्म को करीब 20 बार देखा। ये फिल्म थी साउथ की फिल्म, करीब इसको उन्होंने 20 बार देखा, दोनों ने मिलके भी देखा। इस फिल्म का नाम मैं आपको बता दूं, ये वाडू। आप भी इसको एक बार देखिएगा ज़रूर। ये वाडू में जिस तरीके से क्राइम किया जाता है, ये उसको करीब 20 बार देख करके पूरी तरह से रट लेते हैं और कहीं भी कोई चूक नहीं करने देना चाहते, कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसलिए उसको बार बार देखते हैं और करीब 20 बार देखी उन्होंने। अब ये देखना था कि सुधाकर को पूरी स्क्रिप्ट में कैसे हटाया जाए और राजेश को पूरी स्क्रिप्ट में कैसे फिट किया जाए। 26 नवंबर 2017 संडे का दिन था, स्वाति ने संडे का दिन चुना और संडे को सुधाकर की छुट्टी रहती है इसलिए उन्होंने संडे का दिन चुना। उसे मालूम था कि कितना एनेस्थीसिया दिया जाए तो इंसान बेहोश हो जाता है। और सुधाकर दोपहर में सो रहा था, स्वाति ने उसे एनेस्थीसिया दिया और इसके बाद वो बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हो गया तो राजेश को घर बुलाया गया। राजेश घर आया, इसके बाद दोनों ने मिल करके किसी भारी चीज़ से सुधाकर के सिर पे वार किया और जब उन्हें यकीन हो गया कि सुधाकर मर चुका है तो उसके बाद एक रॉड से फिर उसको मारा गया। बाद में पुलिस उस रॉड को और भारी चीज़ को बरामद भी करती है और स्वाति ने लाश को घर में ही रखा और संडे के दिन रात को उस लाश को वो जंगल में ले जाते हैं जो बस्ती से थोड़ी हटके थी। दोनों ने लाश को गड्ढे में डाला और तेल ले गए थे, वो मिट्टी का तेल ले गए थे, पेट्रोल भी था, दोनों चीज़ें मिला के उन्होंने लाश को जला दिया ताकि पूरे सबूत खत्म हो जाए। और जब ये यकीन हो गया कि लाश के सारे सबूत खत्म हो गए हैं तो फिर वो घर आते हैं। अब स्क्रिप्ट में एक चीज़ तो उन्होंने कर ली थी, यानी कि सुधाकर को तो उन्होंने सीन से हटा दिया था, अब राजेश को स्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट करना था।
तो राजेश को लेने के लिए राजेश सुधाकर कैसे बने, ये आइडिया स्वाति ने और राजेश ने मिलकर चुना था। हालांकि थोड़ा सा राजेश डर रहा था, क्योंकि जो दूसरा स्टेप था, जो दूसरा चरण था, उसके लिए खुद राजेश को काफ़ी पेनफुल स्थिति से गुजरना था। जाहिर सी बात है, जो तरीका चुना गया था वो काफ़ी काफ़ी कहिए कि बहुत ज़्यादा कष्टदायी होता है। स्वाति ने उसे समझाया कि कुछ नहीं होगा, आपका चेहरा जो है सिर्फ 30% जलेगा और उसके बाद सर्जरी के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो ये डिसाइड किया गया कि उसका चेहरा 30% एसिड से जला दिया जाए। दोस्तों देखिए, 26 नवंबर को पति का कत्ल और 27 नवंबर को प्रेमी का चेहरा 30% जलाना एसिड से। और यहीं से मैंने कहानी शुरू की थी, तभी स्वाति राजेश को लेकर के हॉस्पिटल भागती है और जाकर के कहती है कि इस पे कुछ लुटेरों ने हमला किया है। वहाँ जाकर के वही नाम बताती है जो उसके पति का था। प्लानिंग ऐसे ही हुई थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी होगी, डॉक्टर को तो उसकी तस्वीर दिखाई जाएगी और फिर उसी हिसाब से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये थी कहानी की स्क्रिप्ट, लेकिन कुछ चीज़ें बाद में इसमें एड ऑन हो गई। एक तो मटन सूप अचानक सामने आ जाएगा, ये किसी को पता नहीं था। राजेश वेजिटेरियन था, ये एक समस्या हो गई। अब सवाल ये है कि राजेश ने मटन सूप क्यों नहीं पिया, जबकि उसको सब चीज़ें बता दी गई थी। स्वाति ने उसे खुद ब्रीफ किया था अपने पति की आदतों के बारे में, उसके शौक के बारे में, कि उसे मटन सूप पसंद है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसलिए वो मार खा गया इस जगह, क्योंकि वो वेजिटेरियन था। राजेश नॉन वेज नहीं खाता था और मटन सूप था, उसे वो पी नहीं सकता था। तमाम जिद के बाद, मनाने के बावजूद वो उस सूप को पी नहीं सका। और एक गलती ने उसके भाई के दिमाग में शक बैठा दिया, जो वो पुलिस तक गया। और उसके बाद तमाम सारे शक जो है जुड़ते चले गए, कड़ियाँ जुड़ती चली गईं। और राजेश की बातचीत, उसका बर्ताव, उसके हाव भाव, उसका बॉडी लैंग्वेज, ये बता रहे थे कि वो सुधाकर नहीं, कोई और है। अब आप देखिए, तेलंगाना की इस कहानी में दो चीज़ें हैं। पहले उसने पति को रास्ते से हटाया, फिर जिसको वो अपना पति बनाने जा रही थी उसका चेहरा उसने एसिड से जलाया। आमतौर पे एक महिला से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती, चाहे वो महिला किसी भी रूप में हो, लेकिन स्वाति ने ये भी कर दिखाया। लेकिन सारी साजिशें नाकाम रहीं और आखिर में सच सामने आ गया, क्योंकि सच को तो सामने आना ही था। स्वाति और राजेश अब 302 का जो इल्ज़ाम है उसे भुगत रहे हैं। एक हंसता खेलता परिवार, एक सुंदर सी शादीशुदा जिंदगी एक जरा सी गलती की वजह से बर्बाद हो गई। आप ये सोचिए कि अगर स्वाति और राजेश को ये लग रहा था कि उन्हें शादी करनी है, जब वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो एक बड़ा आसान सा तरीका था, एक जेन्युइन सा तरीका था कि वो डाइवोर्स ले लेते। लेकिन ऐसा जघन्य अपराध करने से तो बच जाते। एक तरफ तो उसने अपने पति को रास्ते से हटा दिया, दूसरी तरफ उसने अपने प्रेमी के साथ क्या किया, उसके हाथ भी नहीं कांपे। हाथ उसके क्यों कांपते, अगर उसने अपने पति को जब उन्हीं हाथों से कुचला था, तो प्रेमी का चेहरा जलाते समय भी उसके हाथ कैसे कांप सकते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क अंधा होता है, शायद इसीलिए ये जो मुहावरा है ये आज की कहानी पे पूरा फिट बैठता है। और मैं आपको बता दूं कि ये कहानी पहली कहानी नहीं है और ये कहानी आखिरी कहानी नहीं है। इश्क अंधा था, अंधा है और शायद अंधा ही रहेगा। और ये भी हो सकता है कि अंधेपन की सारी हदें वो पार कर जाए। तो दोस्तों ये थी एक अंधे प्यार की कहानी। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।
अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।